तो ये मंदिर है और इधर से ये गेट नंबर 2 है जिसमें आपको अंदर तो जा सकते हैं लेकिन दर्शन अच्छे से नहीं होगा, बाहर में ही पूजा करना होगा। और गेट नंबर 1 में जाने के लिए इधर लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं 2-3 घंटा इधर लगेगा लाइन में। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा है सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, लेकिन 5 नहीं मतलब 4:32 हो रहा है, ठीक है। और 4:40 में हमारा ट्रेन है, ट्रेन अलाउंस भी हो चुका है, अभी हम निकलेंगे। उठने में थोड़ा लेट हो गया था, उठे थे लेकिन हमको पता नहीं था कि ट्रेन टाइमली है। हमको लगा ट्रेन थोड़ा बहुत लेट होगा लेकिन एकदम टाइमली है। तो अभी फटाफट तैयार हुए हैं 15 से 20 मिनट में। और ये हमारा बैग सब पैक हो गया है, थोड़ा कुछ नहीं बस जरूरी का सामान जो है सो लेकर अभी निकल रहे हैं और रेडी हो गए हैं। अब बस निकलना है, जूता पहनना है और निकलना है। तो निकलते हैं आगे, देखते हैं कैसा जर्नी आज का रहता है। जल्दी जल्दी मैं सारा सामान तो ले लिया, मतलब जो भी जरूरत का है वो ले लिए हैं। अब पता नहीं क्या चीज छूटा है, देखते हैं। वैसे एक ही आज ही जाना है और आज ही रिटर्न होना है, तो मतलब देखते हैं। मोबाइल है ही, चार्जर है ही, पैसा ले लिया और उतना कोई जरूरी का सामान तो मुझे हमको लगता नहीं है। बाकी आगे ही पता चलेगा वहां जाकर कि क्या छूटा है और क्या लेकर जा रहे हैं। तो फिलहाल कामाख्या स्टेशन उतर गए हैं, रेलवे स्टेशन। यहाँ से देखिए क्या पहाड़ सब नजदीक में ही दिख रहा है, पूरा पहाड़। तो जाते हैं यहाँ से, टेम्पो से जाना हो जंक्शन से कामाख्या टेम्पल 5.5 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है मैप पे। तो अभी मतलब जैसे भी मिलता है पहले तो बाहर निकलते हैं स्टेशन से, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 9:45 बज गया है, 8:45। ये देखिए पहाड़ सब कितना नजदीक से दिख रहा है पूरा। हाँ कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर है। ये दोनों तो घूमना है, और उसके बाद बालाजी है, बालाजी भीमाशंकर है। अच्छा अच्छा, उसके बाद तुम्हारा चिड़ियाघर है, रोपवे है, रोपवे। अच्छा रोपवे मालूम है ना? रोपवे नहीं मालूम है ये, और फिल्म में ये दिखाता है तार से जाता है इस पर उस पर। रोपवे, रोपवे। हाँ हाँ समझ गया, वो है दादा ने। इतना नजदीक से कभी पहाड़ देखेंगे, कितना पहाड़ है अभी गिर गया है वैसे। इसी पहाड़ के उस साइड एक पहाड़ है, वहीं है मंदिर, तो उधर जा रहे। तो इधर है, ये है गेट, यहाँ इधर से बाय रोड आप
जा सकते हैं, 3 किलोमीटर इधर से और है। यहाँ से मतलब वैन सब मिल जाते, यहाँ पे ये गाड़ी हमको मिला है, इस गाड़ी से हम जा रहे हैं फिलहाल। कितना टाइम लगेगा निकले? 10 मिनट। पूरे मंदिर के अंदर और यही है पूरा मंदिर, कामाख्या माँ का मंदिर। मेन गेट ये आगे वाला है और पूजा हो गया हमारा सब। बस थोड़ा घूमते हैं अभी फिलहाल। तो ये मंदिर है और इधर से ये गेट नंबर 2 है जिसमें आपको अंदर तो जा सकते हैं लेकिन दर्शन अच्छे से नहीं होगा, बाहर में ही पूजा करना होगा। और गेट नंबर 1 में जाने के लिए इधर लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं 2-3 घंटा इधर लगेगा लाइन में। हम तो क्या बोलते हैं, 1 नंबर 2 नंबर गेट से ही इधर अंदर में प्रसाद चढ़वा के आ गए। अंदर सब भी है यार, डर ही लग रहा है। वहाँ से मेन गेट मंदिर का। फाइनली रिटर्न हो रहे हैं, सारा कुछ हो गया पूजा पाठ, अब जा रहे हैं इधर से। यही था पूरा कामाख्या मंदिर और अब निकलेंगे तो इधर से बस रिटर्न होकर दूसरा उमानंदा मंदिर जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, बाकी मजा बहुत आया। यहाँ से रेलवे कामाख्या रेलवे स्टेशन वो दिख रहा है यहाँ पे।